वीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. मौका मिला तो करी। सवाल पूछा राइवल ने खालिद से। कबीर को क्या पता चला? मेजरा ने दी कबीर को क्या चेतावनी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं आपकी होस्ट और दोस्त पूछा जब तक सभी का स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में। हम बात करने वाले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वन टू के ऊपर। तो फ्रेंड विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कल की वीडियो में हम सभी ने देखा था कि खालिद चाल से ही सही लेकिन राइवल के बंगले में पहुंच ही जाते हैं जिससे उन पर एक बहुत बड़ा शक हो जाता है। अपना शक और महराज की बात को विश्वास करने के लिए राइवल महराज से बोलता है कि तुम आज के लिए खालिद को मेरे पास ही छोड़कर चले जाओगे और तुम्हारे साथ मेरा ही कोई भरोसेमंद आदमी चला जाएगा जो तुम्हें घर पर सही सलामत छोड़ देगा। अब राइवल की बात को कोई इनकार कर सके? ऐसे हिम्मत भला महराज में तो छोड़ो किसी में भी नहीं है और ये एक सुनहरा मौका भी साबित हो सकता है खालिद के लिए। वैसे तो राइवल की ये बात सुनकर खालिद बहुत खुश हो गया था और सोचने लगा था कि आज ही इसका खेल खत्म कर दूंगा, लेकिन जैसे उसने सोचा कि ऐसा हो नहीं पाएगा बल्कि राइवल ने खालिद को अपने आदमी के बीच में बिठा दिया और उससे पूछने लगा कि क्या तुम मुझे जानते हो पहले से ही? क्या हम दोनों कभी मिले हैं? दरअसल खालिद को कबीर के साथ राइवल पहले देख चुका था लेकिन वो इस बात की कंफर्मेशन खालिद से चाहता था लेकिन वो इस बात से इनकार कर देता है और राइवल तिरछी नजर से ही सही लेकिन खालिद की बात मानकर उसे जाने के लिए बोल देता है। खालिद जाने के रास्ते पर मुड़कर वापस आ जाता है और उसके 10 मिनट बाद वहाँ वो रवाना हो जाता है। वहीं कबीर बेचैन रहता है कि अब तक खालिद ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया और वो उसके मारे हुए आदमी की जांच शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि खालिद जिसे मार रहा है वो डिफेंस मिनिस्टर की वो कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम कमजोर हो रहा है। ये जानने के बाद वो मेघना से पूछताछ शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे मेघना उस खालिद के सारे प्लान की जानकारी उसे दे देती है। मेघना कबीर को चेतावनी देते हुए कहती है कि वो खालिद भूखा शेर है जो अपने पास का बदला लेने निकला है, उसके पीछे मत जाना नहीं तो वो बेवजह ही उसके शिकार तुम बन जाओगे। और ये सब सुनने के बाद कबीर मेघना को एक वाइल्ड स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। खालिद की परेशानियाँ कम होने की बजाय बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसे समझ नहीं आता कि राइवल ने उसे क्यों जाने दिया, लेकिन वो इन बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने दिमाग में ये सोचने लग जाता है कि कैसे वो इतनी सारी सिक्योरिटी को चकमा देकर राइवल को खत्म करेगा। तो दोस्तों ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या है खालिद की अनकही दास्ता, क्यों खालिद 10 मिनट के बाद बाहर निकला, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और हमें अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी कुछ काम करना चाहते हैं या सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर अभी क्लिक कीजिए और अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।